उनके नेताओं उनके अकाओं से नहीं पूछे हैं कि जंगल राज में क्या होता था, उनके अकाओं से नहीं पूछते हैं कि हमारे माँ बहनों का किस तरह से लूटा जा इज्जत लूटा जाता था, उनके अकाओं से नहीं पूछते हैं कि हमारे घर में मुर्गी और बकरी को कौन लेकर अति किया जाता था। आरजेडी के एक नेता है वो बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी अब सठिया गए हैं, वो गरीबों के नेता नहीं है, गरीबों के नेता फलना बाबू है। किस नेता की बात आप कर रहे हैं? रामबीरज सदा आरजेडी के नेता, वही ना जो पुलिस रिकॉर्ड में क्रिमिनल है, वही रामबीरज सदा की बात कर रहे हैं ना, जिस पर कई आपराधिक घटनाएं दर्ज है, संगत का असर तो दिख रहा है उनको। कहाँ गए थे रामबीरज सदा? अगर यहाँ नवादा जिला के कृष्णा नगर में 40 व्यक्ति का वहाँ पर जलाया गया, रामबीरज सदा को नहीं दिखता है क्या? रामबीरज सदा को नहीं दिखता है क्या कि बकरौर में कि हमारे दलित लोगों के साथ कौन अत्याचार किया है? लगातार इस तरह का घटनाएं हुए हैं और रामबीरज सदा जी जिस दल से जुड़े हुए हैं उसके दल के 70% से अधिक लोग हमारे लोगों पर कहीं ना कहीं अत्याचार में शामिल है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो रामबीरज सदा जी को जाना चाहिए कि गया कोर्ट में जाकर के देख ले, पटना कोर्ट में देख ले, पूर्णिया कोर्ट में देख ले, इन सभी को पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित और सबसे ज़्यादा शोषित कौन है। रामबीरज सदा क्या है? वो तो पोसुआ सुगा है, वो जिसको जो सिखाया जा रहा है वो बोल रहा है। उनको ये नहीं समझ में आता कि समाज क्या होता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि अपने लोगों की आवाज़ उठाना चाहिए, अपने हक के आवाज को बुलंद करना चाहिए। आज वह अपराधियों का पक्ष ले रहे हैं, अपने लोगों का बचाव नहीं कर रहे हैं। जो समाज को भूलेगा समाज उसको भी भूलने में देर नहीं करेगा। और मुझे गर्व होता है कि जीतन राम मांझी 80 वर्ष की उम्र में भी अपने लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये रामबीरज सदा कौन है? कौन है जो क्रिमिनल है पुलिस रिकॉर्ड में? आप उसकी बात कर रहे हैं? वो कब से नेता हो गया? उनके नेता उनके अकाओं से नहीं पूछे हैं कि जंगल राज में क्या होता था, उनके अकाओं से नहीं पूछते हैं कि हमारे माँ बहनों का किस तरह से लूटा जा इज्जत लूटा जाता था, उनके अकाओं से नहीं पूछते हैं कि हमारे घर में मुर्गी और बकरी को कौन लेकर अति किया जाता था, उनके राज में हमारी माँ बहनों का इज्जत तार तार हुआ है, उनके शासनकाल में जिसको नेता मानता है, जिसको वाकम मानता है, उसके शासनकाल में क्या हुआ है? किसी से छिपा हुआ है क्या? चंपा विश्वास की घटना किसी से छुपा हुआ है? इस राज में जब आईएएस जैसा पदाधिकारी सुरक्षित नहीं था तो हम जैसे सामान्य लोगों की औकात क्या है? वो वैसे लोगों को नेता मानने वाले को हम कुछ नहीं कह सकते।